तो मैंने पूरे 1100 रुपये आज मैं इससे आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ और देखते हैं आज मैं कितनी इनकम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डाइस से शुरुआत करूँगा, तो डाइस के अंदर जाता हूँ और रोल अंडर कर यहाँ पर मैं 500 रुपये की बैट लगाऊँगा। तो बैट करूँगा, देखते हैं आता ही नहीं आता, लॉस हो गया, बढ़ाता हूँ 1000 की करता हूँ, विन हो गया है, तो 500 का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। मैं क्या करूँगा, बैक जाकर और मैं दूसरी गेम खेलूँगा, क्रैश खेलूँगा नहीं क्योंकि टाइम लगता है। प्लिंको में बॉल ड्रॉप नहीं करूँगा, लॉस होता है। माइंस में जाऊँगा, माइंस में जाने के बाद यहाँ पर मैं 3 माइंस सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं बैट लगाने वाला हूँ पहले 100 रुपये की, और यहाँ पर बैट कर देता हूँ और यहाँ पर 5 माइन मैं खोलने वाला हूँ बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लॉस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 100 रुपये की बैट रहने दूँगा क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद मेरा इसमें लॉस ही होने वाला है। देखते हैं, यहाँ पर फिर दोबारा से मेरा अगेन लॉस हो गया है, तो 200 रुपये का मेरा यहाँ पर टोटल लॉस हो गया है। तो मैं दोबारा से 200 रुपये की बैट मारकर और जो है मैं यहीं पर दोबारा से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे खुल गए हैं 3 और यहाँ पर 2 और खुल देता हूँ, मैं खुल गया है मेरा, कैश आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा उतना ही रहा जितना मैंने अभी कमाया था, तो मैं माइंस नहीं खेल रहा क्योंकि माइंस मेरे को थोड़ा रिस्की अभी लग रहा है। तो मैं जाऊँगा लिम्बो पर, लिम्बो पर जाने के बाद यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर मैं 1.5x रख देता हूँ, 1.5x, और यहाँ पर 500 रुपये की बैट मारता हूँ मैं, देखते हैं आता ही नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 2000 की बैट मारूँगा, तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रॉफिट हो गया पूरे 500 रुपये का। तो टोटल मैंने अभी 1000 रुपये कमा लिए हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको इस तरीके से नहीं खेलना, और आपको इसका पहले स्टेक का स्ट्रैटेजी समझनी होगी। स्ट्रैटेजी कुछ वर्क नहीं करती यार, यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा हूँ, एल्गोरिथम आपको समझना होता है। तीनों के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं लो पर रखूँगा, लो पर रखने के बाद और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ रैंडम टाइल्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको भाई एक साथ ही सारे करने हैं, अलग अलग करोगे तो थोड़ा आपका ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है 50 रुपये से शुरुआत करूँगा और यहाँ पर इंस्टेंट बैट कर देता हूँ चालू, बैट करूँगा, आता ही नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो गया है। फिर दोबारा 50 की करता हूँ तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया, 1.8x आया, यानी अभी भी हमारा लॉस है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें यार ज़्यादा फ़ायदा मेरे को लग नहीं रहा कि होगा, तो मैं यहाँ पर हार्ड कर देता, हार्ड करने के बाद यहाँ पर मैं एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ 27, और यहाँ पर मैं जो है 3 रुपये से शुरुआत करूँगा, बैट मारता हूँ तो आ गया पहली बार में, भाई मैंने गलती करी जो 3 रुपये से शुरुआत करी, ज़्यादा का बैट मारनी चाहिए थी मुझे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अब मैं हाई लो पर जाऊँगा। अब हाई लो तो गेम बेसिकली जानते हैं सारे, बस आपको ये सिलेक्ट करना होता है कौन सा कार्ड इक्का के बाद आने वाला, ज़्यादा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, बस ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैट करूँगा पूरे 100 रुपये की, ठीक है भाई। मैं ज़्यादा की बैट नहीं करता क्योंकि भाई मैं हार जाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, वैसे भी मैं बहुत पैसा हार रखा हूँ ड्रीम 11 के अंदर, तो यहाँ पर मैं अपना रिकवर करने के लिए आया हूँ। तो 100 रुपये से मैंने बैट शुरुआत करी है। अब इक्का के बाद भाई मेरे को लगता है हाई आएगा, तो मैं हाई पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो हाई हमारा आ गया है। अब 9 के बाद हमारा क्या आएगा, हम अगर हमें आपको पता है कि जो भी आएगा तो आप हाई भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हो, तो यहाँ से मैं अभी स्किप कर देता हूँ। तो देखिए मेरे को यही कन्फ्यूजन हो रही थी, तो चलिए अब 9 भी आ रहा है तो यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। क्यों, अब इसके बाद तो यार लो ही आता है ज़्यादातर, लो पर मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा 100 रुपये का लॉस हो गया, हाई कार्ड आ गया, तो ये थोड़ा हार्ड गेम पड़ जाता है। तो 100 रुपये की बैट मैं अगेन करूँगा और यहाँ पर थोड़ा रिस्क लूँगा, तो यहाँ पर मैं जो है लोअर करूँगा। लोअर करने के बाद हमारा लोअर ही आया है। अब यहाँ पर देखिए फिर दोबारा लोअर करूँगा, 10 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 1 पॉइंट अभी इतना नहीं मिल रहा है हमें, तो फिर दोबारा मैं लोअर करने वाला हूँ यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। लोअर हमारा यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर मैं कैश आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो लॉस हुआ टोटल 20 रुपये का लॉस है, यानी अभी हमारी गेम सही चल नहीं रही, तो यहाँ पर मैं हाई लो से भी निकल जाऊँगा, क्योंकि जो गेम आपके लिए नहीं बनी है वहाँ से निकलो भाई, और एक गेम पे ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है। एल्गोरिथम ये कहता है अगर एक गेम पर रुक गई तो भाई आपको हराने के लिए चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से ब्लैक जैक खेलने वाला हूँ, ब्लैक जैक मेरी फेवरेट है, तो ब्लैक जैक पे जाता हूँ। ब्लैक जैक पे जाने के बाद यहाँ पर मैं जो बैट मारूंगा, यहाँ पर 200 रुपये की शुरुआत करूँगा, तो यहाँ पर बैट मैं कर देता हूँ, देखते हैं क्या कार्ड आया हमारे पास। जो देखिए 21 आया है और हमारा यहाँ पर ब्लैक जैक बन गया है। अब 21 आपका आता है तो आपको जो है 2.5x मिलता है पैसा, ठीक है। तो 2.5 गुना हमें मिल गया हमारे पैसे, देख लीजिए 396 रुपये हो गए हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आज भी 1100 या 1200 रुपये का हो गया है। अगर मैं और चाहूँ तो और खेल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100 रुपये की और बैट यहाँ पर मारता हूँ, देखते हैं जीतते हैं लॉस होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा 12 आया और वहाँ पर सामने देख सकते हो 5 है, तो 5 सामने वाले के पास 5 है, यानी बस्ट कार्ड है। तो यहाँ पर मैं हिट कर सकता हूँ, पर हिट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं स्टैंड करूँगा, देखता हूँ लॉस होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर भाई लॉस हो गया है मेरा, तो चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मार्टिंग वाली स्ट्रैटेजी करूँगा। अब यहाँ पर मैं बैट को बढ़ा दूँगा, 200 कर दूँगा। आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंटिन्यू आपका बहुत बार लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैट करूँगा और देखते हैं क्या हमारा कार्ड आएगा। तो 2 आया, 8 आया, मैं क्या करूँगा, हिट करूँगा। हिट करने के बाद
यहाँ पर हमारा दोबारा से 16 हो गया, मैं हिट करूँगा, देखते हैं लॉस होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो गया, मैं दोबारा से क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा और 400 रुपये कर दूंगा बैट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 16 हमारा आया और सामने आपका 4 है, तो देखते हैं क्या होता है, स्टैंड करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर 17 और हमारा अगेन लॉस हो गया है। तो अब मैं जो है यहाँ पर बैट को अगेन बढ़ाऊँगा, 800 रुपये की कर दूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, 19, 12 और यहाँ पर मैं हिट करूँगा इसे, देखते हैं 10 ना आए तो अच्छा है। तो हमारा 18 हो गया, मैं स्टैंड कर दूँगा 17 और 9 और यहाँ पर 18, तो यहाँ पर पुश हो गया हमारा। तो अभी हमारा लॉस में ही चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन 800 रुपये की बैट मारूँगा। अगर इसमें भी लॉस होता तो दूसरी गेम में हम चलने वाले हैं। तो सामने हमारा भाई 9 है और अभी हमारा 16 आया है, तो स्टैंड कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 17 लॉस हो गया, अब मैं दोबारा से 1600 की बैट कर रहा हूँ। वैसे मेरे को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बैक टू बैक कितनी गेम मेरी लॉस हो गई है और पोर्टफोलियो हमारा 220 रुपये का माइनस में चल रहा है। तो चलिए मैं बैट कर देता हूँ 1600 रुपये की, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 11 आया और देखिए सामने 10 है, मैं हिट करने वाला हूँ, डबल करने का मेरा मन है पर मैं कर नहीं रहा हूँ, इस सही है मैंने डबल नहीं करा। अब मैं दोबारा से हिट करूँगा तो यहाँ पर मेरा लॉस होने का पूरा पूरा चांस है, तो मैं हिट कर रहा हूँ फिर भी। तो यहाँ पर हमारा दोबारा जो है एस आया है, तो अब देखता हूँ मैं हिट करता हूँ दोबारा 13 और यहाँ पर 23 हमारा बस्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ गेम में से, क्योंकि हमारा ये गेम हमारे लिए बनी नहीं है और हमें यहाँ पर लॉस हो गया है। अब मैं व्हील्स पर जाकर, व्हील्स पर भी नहीं, अब मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने रूलेट पे, रूलेट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं चालू करूँगा, यहाँ पर मैं बैट लगाने वाला हूँ पूरे 1K की रेड पर और बैट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इंस्टेंट बैट चालू कर देता हूँ जिससे कि जल्दी से गेम हो जाएगी। तो इंस्टेंट बैट करा, देखते हैं क्या आता है, रेड आया, हमारा 1K का जो है लॉस रिकवर हो गया। अब जो है मैं यहाँ से, तो 1K हमारा लॉस रिकवर हुआ था लेकिन अभी हमारा जोड़ा नहीं है। 1K का कितना होता है इसमें, तो 1K का हमारा यहाँ पर, ओहो 1K, मेरे को लगा था 1K मेरा रुपीस है पर यहाँ पर मेरे से गलती होगी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं दोबारा से रेड पर करता हूँ और यहाँ से मैं बैट को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से बैट करूँगा मैं, रेड आता है, रेड आया, अब मैं जो है इसे हटाकर ब्लैक पर कर दूँगा और यहाँ से मैं जो है बैट को बढ़ा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर करा, ब्लैक आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि हमसे गलती होगी, वरना मैं रेड पर 1000 लगाता तो हमारा रिकवर हो जाता, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर लॉस तो हो गया है अभी, तो लॉस कोई बात नहीं है, इतनी हो जाता है। ब्लैक जैक पर दोबारा जाऊँगा और एक 0 बैट खेलता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा 14 आया और यहाँ पर मैं स्टैंड करता हूँ, तो यहाँ पर बस्ट हो गया। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से 5000 की बैट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर बैट मैंने 5000 की लगा दी है, तो यहाँ पर हमारा भाई वो आया है, 3 आई हैं, तो मैं यहाँ पर हिट कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा 14 आ गया, तो स्टैंड कर देता हूँ मैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो बस्ट हो गया हमारा, यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट हो गया पूरा 2000-3000 का मैंने समथिंग प्रॉफिट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको भी प्ले करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टेक की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाओ और खेलो। और भाई अपने रिस्क पे ही खेलना, साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हारने के भी चांस रहता है, जैसा आपने देखा मेरा कितना लॉस हो गया था। यहाँ पर देख लीजिए 3200 रुपये का प्रॉफिट कराया मैंने, कल मैंने 1100 या 1200 रुपये का प्रॉफिट कराया था, टोटल मेरा 2 दिन के अंदर 4000 का प्रॉफिट हो गया है और 13000 मैंने वेजर कर लिया। तो इसी तरीके से आपको भी खेलना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, अगर आपको भी खेलना है तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाओ और रेफर कोड जरूर यूज़ करना WON21, जिससे कि आपको $21 फ्री में मिल जाएंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।